हेलो दोस्तों, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो। इट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। अभी बजे हैं दोपहर के 2:30। अबू धाबी में तपती हुई गर्मी है, 55 डिग्रीज बाहर, और मेरा मन था कुछ आज एक्सपेरिमेंट करने का। मैंने एक पंगा लिया था पहले, आईब्रो टैटू करवाए थे और उनका इफेक्ट अभी जा चुका है, तो कभी दोबारा मौका मिलेगा, बैंकॉक जाऊंगी या कोई अच्छा सा यहाँ पे प्लेस मिलेगा तो कराऊंगी। लेकिन आज मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी। तो अभी आजकल मेरे पे भूत चढ़ा है आई लैश एक्सटेंशन करवाने का, और अबू धाबी में एक सैलॉन है जिसपे मैं ऑलरेडी मैनी पैडी करवाने जाती थी। तो अभी मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि इफ दे दीज पीपल आर फ्री, तो दे सेड कि हाँ भाई आ जाओ। तो मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सड़कों के ऊपर ऐसे तपती हुई धूप है बाहर, कसम से बता रही हूँ आपको, पसीने से मेरी हालत बुरी है। इसलिए मैंने कोई मेकअप भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं जब भी फेस के ऊपर कोई ट्रीटमेंट कराने जाओ तो डेफिनेटली मेकअप नहीं करवाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगी आई लैश एक्सटेंशन का, देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा जाता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है। तो चलिए लेट्स गो टू द पार्लर। तो मैं ये बताना भूल गई थी आपको कि मेरे बाल ऐसे चिपकू से हुए पड़े हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन से बाल धोए नहीं हैं, और कल या परसों में मैं बाल धोऊंगी, अभी मैं नहीं धोने वाली हूँ, बिकॉज मैंने कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाया था बालों के ऊपर, तो इसलिए आज मेरे बाल चिपके हुए हैं, मैं चिपकू चिपकू लग रही हूँ। तो मेरा मन किया कि आपको ये भी बता दूँ, सोचा कि आपको एक गाना सुनाती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो जितने लोग भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो भी मेरे पागलपन में आप सब मेरे भागीदार हो, तो मेरा हमेशा साथ बनाए रखना, मेरा साथ कभी छोड़ना नहीं। बस ये कहने के लिए आपको गाना सुनाया है ऑन द वे। Tape is giving me a little bit discomfort in the eyes. Which one? Which side? Both actually. That's where the tears are coming. Yeah, sure. Thank you.
Thank you.
don't make it too short, yeah? Okay. Yeah. It's very painful, the chemical. Started already? Get close, huh? Okay, sure. Ouch. You can wash it after 2 hours, just don't rub. Okay, sure. Yeah. I can wash it after 2 hours. Yeah, you can swim, you can take shower, just don't rub and avoid the steamer when you do the facial. Okay, sure. Thank you so much. But washing face, using soap, anything is fine. No problem. Yeah. Just don't rub. My God, it was a painful experience actually. It's not that easy. Yeah, it is for now, but after then it will be. Yeah, okay. Thank you so much. Thank you. So I just got it done. It was a little bit of a painful experience for me, but I think the result is good. 2 hours, abhi main isko wash nahi kar sakti, aur I have to wait. Aur agar baad mein facial bhi karana hai, to I have to tell the girl ki iske upar thoda sa cover karke, then she will do the scrubbing and all that. Because straight iske upar karenge, to then they can go bad. But else they will stay for 1 month. And aur unhone kya bola tha mujhe? They said ki don't try to pull them, you know. अगर पुल करोगे तो आपके जो रियल लैशेज है वो भी खराब हो सकते हैं. सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस. आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज. और इसके साथ साथ में ही मैंने मैनी पैडी भी करवा लिया. उन्होंने मुझे लेटे लेटे साथ में ही मेरा मैनी पैडी भी कर दिया. एंड दिस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम वेयरिंग रेड कलर. आई एम एक्चुअली ऑन वेकेशन, सो आई एम अलाउड टू वेयर एनी डार्क कलर्स. सो गाइज, दिस वॉज इट एंड आई टॉक टू यू सून. बाय बाय. सो फाइनली आई एम आउट ऑफ द सलॉन. ये दोनों सलॉन पास पास में थे. एक पे मैंने कराया आई लैशेज, आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े अभी, पर अभी थोड़ा सा इफेक्ट इसका बाद में नज़र आएगा, बिकॉज अभी मेरे आईज थोड़े दुख भी रहे हैं. तो उसके बाद मैंने कराया अपना हेयर वॉश, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट कराया था लास्ट वीक अपने बालों पे, और मैं घर पे वॉश नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने थोड़ी सी बालों को शेप भी दे दी है. तो आई एम ऑल सॉर्टेड एंड मैंने पेडी भी करा लिया, करते करते काम टू सेव टाइम. एंड या जस्ट वेटिंग फॉर द लिफ्ट गोइंग डाउन नाउ. एंड या दिस वॉज इट. आज का दिन अच्छा रहा. आज मैंने अपने लिए टाइम निकाला. इट वॉज रियली रियली नाइस.
ज़्यादा वेल लग गई मेरी. मैंने गाड़ी की पार्किंग 2 घंटे की लगाई थी और मैं बातों बातों में भूल ही गई कि मेरी गाड़ी जो है उसकी पार्किंग फिनिश हो रही है. 20 मिनट ऊपर हो गए हैं. मेरी किस्मत है कि मुझे 500 दरहम का फाइन मिलेगा, विच इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ इन इंडिया. गॉड, मैं भाग रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ अभी. आई होप, आई जस्ट प्रे कि फाइन ना मिला हो, बट कुछ कह नहीं सकते. इफ somebody इज देयर ऑलरेडी टू चेक, मैं गई आज बुरी हालत होने वाली है मेरी. गाड़ी मेरे सामने है, कोई पेपर तो नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, कोई पेपर तो नहीं लगा हुआ फिलहाल. आई जस्ट होप एंड प्रे. सो चलिए गाइज, आई डोंट नो, अगर कोई फाइन होगा तो मेरे फ़ोन के ऊपर आ जाएगा. तो एनीवे, आज का दिन रहा फुल ऑफ मस्ती. कुछ थोड़ा सा टाइम कभी कभी ज़िंदगी में अपने लिए भी निकालना चाहिए. बहुत टाइम हो गया था मुझे अच्छी सी विजिट लिए हुए सैलून में. मेरे बालों की हालत ख़राब थी, मेरी अपनी हालत ख़राब थी. आज मैंने सुबह उठते ही सोचा कि नहीं, अपने लिए आज थोड़ा सा कुछ करना ही है. आई गॉट माई आईलैशेज डन, आई मेड माई हेयर, मैनी पैडी भी हो गया. सो दिस वॉज अ फ्रूटफुल डे. आई होप कि बस फाइन ना लगा हो मुझे. तो चलिए दोस्तों, दिस इज़ द फाइनल. बाय, आई टॉक टू यू सून. बाय बाय.